हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस डेली लाइफ। जैसा कि हम अपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी शंकर आईएएस की सीरीज को कर रहे थे, हमने अभी तक यूट्रोफिकेशन देख लिया था, एक्वाटिक हैबिटेट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, जिसको हम HAB भी कहते हैं। क्या होता है ये, कैसे होता है, कैसे मिटिगेट करते हैं इसको, ये सारी चीज हम अब देखेंगे। अब देखो हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको ये बताया था, जब एल्गीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब यूट्रोफिकेशन बहुत हद तक हो जाए, तो हम उसको कह देंगे कि वो ब्लूम हो गया है। इस चीज़ को बोलेंगे एल्गल ब्लूम। अब एल्गी जो है हमेशा नुकसानदायक नहीं होती है। एल्गी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जो भी पूरा पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें एल्गी एक तरह से प्रोड्यूसर्स का काम कर रही है, और एल्गी को खा के बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स जी रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एल्गी हमेशा बुरी नहीं है, लेकिन कुछ एल्गी क्या करती है, टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। अब उस टॉक्सिन की वजह से पूरा एक्वाटिक हैबिटेट जो है वो ख़राब हो जाता है। अब उस टॉक्सिन को फिश खाएंगी, जिसकी वजह से फिश सफोकेट होके मरेंगी। अब उस फिश को अगर इंसान खाएगा तो वो इंसान भी बीमार पड़ेगा। इस तरह से जो ये खराब एल्गी, जो हमारे लिए हार्मफुल एल्गी है, उसका हम यहाँ जिक्र करेंगे, जिसको साइंटिफिकली बोला गया है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। क्या होता है इसमें अभी देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसमें बता रखा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या एल्गी है वो कोस्टल वाटर्स के अंदर होती है, ठीक है, कोस्ट के अंदर ज़्यादा होंगी ये। अब ये बहुत अच्छी भी मानी जाती है किसी भी फूड चेन या फूड वेब के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है और बहुत सारे एनिमल का फूड भी होती है। लेकिन अब एनवायरमेंटल कंडीशन जब बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाए इनके लिए, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल का क्या मतलब है, जब टेम्परेचर बढ़ जाए वहाँ पे, तब क्या होगा, ये जो एल्गल ब्लूम है, जो ये एल्गी है, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली यानी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है और बहुत ज़्यादा नंबर में ये बढ़ जाती है। इस चीज़ को बोला जाता है एल्गल ब्लूम। मतलब क्या हुआ, जब इनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट बन जाता है, तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उस दौरान क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगी और इस चीज़ों को बोला जाएगा एल्गल ब्लूम। ये जो ब्लूम है ये रेड और ब्राउन कलर की जनरली होती है, ये और भी ग्रीन कलर की भी हो सकती है, और भी अलग अलग तरह के कलर की होती है, लेकिन जनरली ये रेड और ब्राउन कलर की होती है, इसलिए इनको रेड और ब्राउन टाइड भी बोला जाता है। जो एल्गल ब्लूम्स है वो हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन जो टॉक्सिन होती है, जो टॉक्सिक है, जो जहर को प्रोड्यूस कर रही है, कुछ ऐसे मटेरियल को अपने अंदर से एक्सक्रीट कर रही है, जिसकी वजह से जो वहाँ की फिशेज है या और जो एक्वाटिक एनिमल है उसको नुकसान हो रहा है, उसको बोला गया है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। उसको क्या बोला गया है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, या मैं अगर इसको एक्रोनिम में बोलूँ तो ये HABs बोला जाएगा। ये क्या करते हैं, जो आसपास की एयर है पानी के अंदर, जो आसपास का ऑक्सीजन है पानी के अंदर, उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे यूट्रोफिकेशन के अंदर सफोकेशन होके जितने भी एक्वाटिक एनिमल है वो मर जाते हैं, इसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएंगी, एनारोबिक कंडीशन, जिसकी वजह से ये एल्गी तो और बढ़ने लग जाएंगी और जितने एक्वाटिक एनिमल है उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। आगे देखो इन एल्गी का यूज़ क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी एनिमल हैं वो एल्गी को अपना खाना बनाते हैं, तो एक तरह से ये एनर्जी प्रोड्यूसर भी है और दूसरों के लिए फूड भी बन रहे हैं। अब इनको रेड टाइड मिज़नोमर बोला जाता है। मिज़नोमर का मतलब होता है हिंदी में भ्रम, मतलब जो कोई भ्रांति पैदा कर दे, जो कोई हमें बस ऐसे भ्रम हो जाए कि ये रेड टाइड है, मतलब पानी का कलर रेड हो गया है, तो इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, रेड टाइड इज अ मिज़नोमर। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी ये एल्गल ब्लूम्स होती है जनरली ये रेड या ब्राउन कलर की होती है, जिसकी वजह से पानी का कलर डीकलराइज हो जाता है और हमको भ्रम होने लग जाता है कि इस पानी का कलर पानी जैसा ना होके कुछ और है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है, वो एक भ्रम होता है। एल्गी के कलर की वजह से हमको पानी का कलर डीकलर दिखता है, इस चीज़ इस वजह से इसको मिज़नोमर बोला जाता है। जबकि हम पानी को अगर हाथ में लेंगे तो पानी का कलर जैसा है, कलरलेस, वही ही रहेगा,
रेड टाइड की वजह से, यानी रेड टाइड यहाँ पे किसको बोला गया है, एल्गल ब्लूम्स को बोला गया है, इन एल्गल ब्लूम्स की वजह से उस पानी का कलर बदला हुआ दिखता है, इस वजह से इसको मिजनोमर यानी भ्रम कहा गया है। अब आगे देखो कि इसके कोज क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये ब्लूम्स होते हैं। देखो सबसे पहले इनके लिए जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होती है, वो होती है न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, जो हमने यूट्रोफिकेशन के अंदर भी पढ़ा था कि जब पानी न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा, इसके अंदर फॉस्फेट और नाइट्रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तभी एल्गीज बढ़ेंगी। सैलिनिटी इनके अकॉर्डिंग हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सलाइन भी ना हो, मतलब बिल्कुल ब्रैकिश वाटर भी ना हो और ये फ्रेश वाटर में भी नहीं होंगी। टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल हो जाए, कूल टेम्परेचर के अंदर ये नहीं होंगी, वार्म टेम्परेचर के अंदर होंगी, लेकिन हॉट वाटर के अंदर नहीं होंगी। हॉट और वार्म में आप डिफरेंस समझ सकते हैं, हॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्म, वार्म का मतलब है लगभग कोई 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। ब्लूम्स कैन बी ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस, टू कॉमन कोज यहाँ पे क्या क्या है, एक तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, दूसरा वार्म वाटर। जितनी भी डीकम्पोजिशन है वो वार्म वाटर के अंदर ज़्यादा होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मॉइस्चर कंटेंट अगर वहाँ पे ज़्यादा है, पानी अगर गर्म है, वार्म वाटर अगर ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट में सॉइल के अंदर बात कर रही हूँ, सॉइल के अंदर भी जैसे डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जो भी वहाँ पे डेड और डिकोइंग पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ना, उनको ब्रेक डाउन करना, उसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है, टेम्परेचर हाई, मतलब वार्म टेम्परेचर है वहाँ पे, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है और साथ में वहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा है। ये तीन फेवरेबल कंडीशन होती है डीकम्पोजिशन के लिए। पानी के अंदर मॉइस्चर वाला पॉइंट तो कट जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अगर वहाँ पे वार्म है और नाइट्रेट और फॉस्फेट अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो ब्लूम्स ज़्यादा बनेंगे। यही बात इस पूरे स्लाइड के अंदर लिखी गई है। एल्गल ब्लूम नॉन पॉइंट सोर्स की वजह से ज़्यादा होती है। नॉन पॉइंट सोर्स आप समझ सकते हैं क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो डायरेक्टली पानी के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स क्या है, जो डायरेक्टली पानी के अंदर नहीं आ रहे, जैसे हमने एग्रीकल्चरल रन ऑफ को पढ़ा था, वो नॉन पॉइंट सोर्स है। जबकि किसी भी एक्वाटिक हैबिटेट के पास कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके वेस्ट मटेरियल अगर पानी के अंदर डायरेक्टली डंप किए जा रहे हैं, उनको हमने पॉइंट सोर्स बोला था, आप रिकॉल कर सकते हैं। अब देखिए आगे कि कैसे ये HABs जो है वो फिश और ह्यूमन के लिए डेंजरस होते हैं। अब हार्मफुल एल्गल ब्लूम अगर शब्द आ रहा है तो सिर्फ वही एल्गी की बात हो रही है जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो किसी भी पॉइजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो जो टॉक्सिक है उसको फिश खाएगी, फिश अगर मर गई तो बात अलग है, अगर उसके अंदर अभी वो मरी नहीं है लेकिन कुछ अमाउंट में उसके अंदर जहर चला गया है, तो उस फिश को, सी फूड को अगर ह्यूमन खाएगा तो वो भी बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, हो सकता है इसमें फंस जाए। तो इस तरह से ये फिश और ह्यूमन दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे है कि जो ब्लूम्स हैं वो ऑक्सीजन को पानी के अंदर कम कर देते हैं और लो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कर देते हैं। देखो ये पूरा यूट्रोफिकेशन वाला कंसेप्ट अब यहाँ पे चल पड़ेगा। अभी एल्गी क्या करने आई है वहाँ पे, जो नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से जो प्लैंकल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनको ये डीकम्पोज करेगी। अब किसी भी केस में अगर बर्निंग हो रही है या डीकम्पोजिशन हो रहा है, इन दोनों ही केस में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अभी एल्गी क्या करेंगे, डिकम्पोज करने के लिए जो वहाँ पे लिटोरल्स हैं, जो वहाँ पे स्वैम्प्स हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। जब ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितने वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल हैं उनके लिए कम पड़ जाएगी और वो सफोकेट होके मर जाएंगे। सेम कंसेप्ट हमने यूट्रोफिकेशन में पढ़ा था। यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या था, ऊपर से पेनिट्रेशन रुक जाता है सनरेज का और नीचे ऑक्सीजन नहीं बन पाती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। सेम चीज़ यही है, ये एल्गी क्या करेंगी, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगी। डीकम्पोजिशन के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस ऑक्सीजन की ज़रूरत की वजह से वहाँ पे जो और एनिमल रह रहे हैं, जितने भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो सफोकेट होके मर जाएंगे। ये इसी तरह इसी का ही जवाब है, ये हाउ इट डिप्लेट्स ऑक्सीजन एंड इट लीड्स टू लो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये आपका हार्मफुल एल्गल ब्लूम खत्म हो गया है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है
मेरी खुद की इंटरव्यू की तैयारी आईएएस की चल रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती हूँ। बच्चों को मुझसे यहाँ पे शिकायत है, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। जितने भी मैं लेक्चर यहाँ पे डाल सकूँगी, मैं आपको टाइम टू टाइम डालती रहूँगी। साथ साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैं देख लूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है, ये सारे यूपीएससी के बेस पे है, मतलब यूपीएससी इसी तरह का पैटर्न आपसे पूछेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, पॉज कीजिए, अपने आंसर को अपने मन में सोचिए। मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी पूरे क्वेश्चन को और पूरे आंसर को, फिर देखिए आपके कितने सही हैं। अगर सही है, इट मीन्स आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं सही हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, इसका मतलब आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, क्वेश्चन अगर आप जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम कितने पानी में है, हमारा लेवल कितना है, ये टाइम टू टाइम चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में उसकी टेस्ट सीरीज ज़रूर खरीद लीजिए। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नेट पे भी मिल जाएगी, या कोई भी दो अच्छी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, जैसे मार्केट के अंदर विजन की और इनसाइट की अच्छी मानी जाती है, आप इन दोनों को खरीद लीजिए। आपने जौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को उन्हें मार्क कीजिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन सही है, इससे एक तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन जो है वो रेडी है और मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। दूसरा आपको ये पता लगता रहेगा कि मेरा लेवल क्या है, क्या मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट देने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। तो प्लीज़ प्रैक्टिस को करते रहिए। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये पिरामिड की बात है, ये जो हमने अपने फर्स्ट सीरीज के अंदर की थी। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ पैरासिटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमने तीन बात की थी। पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर क्या बता रहा है, वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बता रहा था हर ट्रॉपिक लेवल पे। तो पहली स्टेटमेंट है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ पैरासिटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। पैरासिटिक फूड चेन क्या है, पैरासाइट्स क्या थे जो किसी होस्ट के ऊपर रह रहे हैं। जैसे इंसान के सिर के अंदर अगर जू रह रही है, अगर लाइसिस रह रही है, इसका मतलब क्या है, जो जू है वो पैरासाइट है और इंसान का सिर जो है वो होस्ट है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ पैरासिटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। अब आप सोच के देखिए कि एक इंसान के सिर के अंदर कितनी सारी जू रह सकती है। मतलब यहाँ पे कोई पर्सन है और इसके सिर के अंदर कितनी ज़्यादा अमाउंट में ये जू रह सकती है। मतलब क्या है, पैरासाइट जो है बहुत सारे हैं, होस्ट एक है। तो हमारा ये किस तरह से बनेगा, ये हमारा इन्वर्टेड बनेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पैरासिटिक फूड चेन इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड कैसी थी कि नीचे छोटा, फिर ऊपर ये ब्रॉड होता जाए इस तरह से। मतलब पहले ये एक इंसान हो गया, इसके ऊपर आप बहुत सारे जुए लगा लो, उन जुए को खाने वाले ज़्यादा हैं, उसको खाने वाले और ज़्यादा हैं, तो इस तरह से ये इन्वर्टेड बनेगा। स्टेटमेंट वन आपकी सही है। स्टेटमेंट टू क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज अपराइट। अब इसको सोच के देखो, बायोमास क्या था, आपको केजीज में बताई थी मैंने बात कि अमाउंट, उनका वजन हम हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं। अब पॉन्ड के अंदर क्या होगा, बहुत सारे छोटे 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 फाइटोप्लैंकटन्स होंगे। अब उन फाइटोप्लैंकटन्स के अंदर बायोमास तो बहुत कम होगा। मतलब क्या है, जो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो छोटा है, देन आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो उनको खाने वाली छोटी फिशेज है, उनका मास अगर हम करेंगे तो उनका ज़्यादा होगा। अब उनको खाने वाली जो बड़ी व्हेल्स हैं, उनका मास उनसे ज़्यादा होगा। तो क्या बन रहा है ये, क्या ये अपराइट बन रहा है, नहीं, तो ये क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्या हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास आपका इन्वर्टेड बनता है। इनको आप याद भी कर सकते हैं, वैसे तो शंकर आईएएस के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपको एज इट इज दिए हुए हैं, वरना आप सोच भी सकते हैं। देखो, याद करोगे तो भूल भी जा सकते हो वहाँ पे, लेकिन अगर आप सोच के करोगे तो गलत होने के चांसेस कम है। अब तीसरा देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अपराइट। हमने हमेशा बात की थी कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा ही अपराइट रहेगा, वो इन्वर्टेड रह ही नहीं सकता। ठीक है,
ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो सही है, तो आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी 1 और 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन प्रोसेस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि इनमें से यूट्रोफिकेशन से संबंधित क्या चीज सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रेट इन द ग्रोथ ऑफ एल्गी इंक्रीजेस। क्या एल्गी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यूट्रोफिकेशन के दौरान पे, हमने यही पढ़ा था, तो ये ऑप्शन सही, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज डिक्रीजेस। तो यूट्रोफिकेशन के अंदर यही होता है कि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का डिप्लेशन होने लग जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज। डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या ये सही है, न्यूट्रिएंट्स क्या डिप्लेट हो जाते हैं पानी के अंदर यूट्रोफिकेशन के टाइम में? नहीं दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा पानी, जिसकी वजह से वहाँ पे एल्गी ज़्यादा आ रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इज इम्पीडेड। ये सही है कि सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर में रहेगा, क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछी है। ये तीनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल इंक्रीज द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल इंक्रीज द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। हमने आज के ही लेक्चर में बात की है कि डीकम्पोजिशन के रेट को किस किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है। लो टेम्परेचर, क्या लो टेम्परेचर हमने पढ़ा है? नहीं। वार्म टेम्परेचर अगर वहाँ पे है तो डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हाई मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी डिस्कस की थी। हाई नाइट्रोजन कंटेंट इन डेट्रिटस, ये भी बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन जो है अगर ज़्यादा है मिट्टी के अंदर तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू थर्मल पॉल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन के बारे में बात करनी है, यानी पानी से संबंधित, मतलब कुछ टेम्परेचर से संबंधित यहाँ पे बातें की जाएगी, तो देखते हैं। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाई थी सॉल्युबिलिटी के केस में, एक तो मैंने पढ़ाया था सॉलिड इन लिक्विड, इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने बात की थी। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, गैसेज इन लिक्विड, दो केसेस पढ़े। सॉलिड इन लिक्विड में मैंने बात की थी आपको, एक ग्लास के अंदर अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, चीनी को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है और आप पानी को और गर्म कर रहे हो तो वो चीनी और घुलने लग जाती है। मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, किस केस में, सॉलिड इन लिक्विड के केस में। गैसेज इन लिक्विड में इसका ऑपोजिट था, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही थी गैसेज इन लिक्विड के अंदर। मतलब क्या है, अगर कूल वाटर है तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, सॉल्युबिलिटी हाई होगी, अगर वार्म वाटर है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो अब अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ये सही है, ऑक्सीजन एक गैस है, पानी लिक्विड है, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन की जो डिजॉल्वनेस है, जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, डिक्रीज होएगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। तो आप यहाँ पे देखो, गैसेज इन लिक्विड में हमने क्या पढ़ाया कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ये स्टेटमेंट सही है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये सही है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्म वाटर फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर बॉडीज। हमने अभी पढ़ा है एल्गी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वार्म वाटर रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, आपके जो ऑप्शन है वो सी सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू डीनाइट्रिफिकेशन विच वन इज करेक्ट। डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में पूछा है, हमने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इसकी बात की थी, डीनाइट्रिफिकेशन क्या था, दो प्रोसेस पढ़ी थी हमने,
एक तो नाइट्रिफिकेशन और एक डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या था, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाता था, ठीक है। और डीनाइट्रिफिकेशन इसका उल्टा था, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसमें बदल रहे हैं हम नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट किस में बदल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर बदल रहे हैं किस प्रोसेस में, डीनाइट्रिफिकेशन में। और नाइट्रिफिकेशन में क्या था, जो एटमॉस्फेयर की जो NO2 है वह किस में बदल रही है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के अंदर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट क्या है, सिक्रेशन ऑफ नाइट्राइट बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट्स टू अट्रैक्ट प्रे। क्या ये है सही कि जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, वो प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, वो नाइट्राइट को सिक्रेट कर रहे हैं, उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया एंड नाइट्रोजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जो नाइट्रेट है उसको हम नाइट्रोजन और अमोनिया में बदल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्राइट्स इन प्लांट्स रिजल्ट इनटू येलोइंग ऑफ लीव। नाइट्रिफिकेशन क्या है, कह रहा है ये सी ऑप्शन के अंदर कि नाइट्राइट की कमी हो जाने की वजह से जो प्लांट की लीफ है वो येलो हो रही है, इसको भी डीनाइट्रिफिकेशन नहीं कहते। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। ड्रास्टिक डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो भी आपकी नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स, जो भी आपकी पीज है, जैसे दाले हैं, जो गांठ वाली जितनी भी फसल है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये भी गलत है। हमारा आंसर हमको पहले ही मिल चुका था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रेट को अमोनिया और नाइट्रोजन के अंदर बदल रहे हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने क्या पढ़ा था, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन करता है, साथ में क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है वो भी यही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू डेट्रिटस फूड चेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेट्रिटस फूड क्या होता है, डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है। हमने पढ़ा था कि डेट्रिटस फूड चेन क्या है, जो डेड और डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हो रही है, मतलब जहाँ पे आपकी ग्रेजिंग फूड चेन खत्म होती है वहाँ पे आपकी डेट्रिटस फूड चेन शुरू होती है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, अटैच्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स इन डेट्रिटस फूड चेन इज हर्बीवोर्स। क्या ये सही है, हमारी डेफिनेशन ही बता रही है कि डेट्रिटस फूड चेन क्या होगी, जहाँ से सैप्रोफिटिक स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे सैप्रोफाइट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेट्रिटस फूड चेन ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड। जब भी देखो भैया ये स्पेशल शब्द आ जाए, एनी, नन, ऑलवेज, हमेशा इन पे ध्यान रखिए, यूपीएससी इन पे बहुत उलझाती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि डेट्रिटस फूड चेन का हमेशा ग्रेजिंग फूड चेन से कोई संबंध नहीं रहता। हमने अभी बात की कि ग्रेजिंग फूड चेन के खत्म होने के बाद ही डेट्रिटस स्टार्ट हो जाती है, तो एक संबंध है दोनों में। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। डेट्रिटस फूड चेन जो है वो कभी कभी डिपेंडेंट रहती है ग्रेजिंग फूड चेन पे, और डेट्रिटस फूड चेन के प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स नहीं है, वो सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट्स क्या थे, जो डेड और डिकेइंग के ऊपर निर्भर रह गए। तो दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, कल मैं आपको वेटलैंड इकोसिस्टम और साथ में इस्चुरी इकोसिस्टम कंप्लीट करवा दूंगी, कल मैं आपको लेक्चर ज़रूर दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आपको एक बार फिर से दोहराऊंगी कि प्लीज़ दोस्तों कुछ समय के लिए मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है आपकी पीपीटीज को तैयार करने में, लेक्चर को प्रिपेयर करने में, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपका ये काम ज़रूर करूँगी। और थैंक यू, देखते रहिए।